कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से होता है और ये तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। कोविड-19 गंभीर हो सकता है और सांस लेने पर असर डाल सकता है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। किसी को भी कोविड-19 हो सकता है और कई लोग ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ है, यदि उन्हें कोविड-19 हो जाए तो उनकी बीमारी गंभीर होने की जोखिम अधिक है। दूसरों की ही तरह विकलांग लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आपके परिवार और संपूर्ण समुदाय को इस वायरस के फैलाव को रोकना और एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। साथ ही इस जानकारी का प्रचार करें। ऐसे समय पर कई अफवाहें फैल सकती है और कई लाछन लग सकते हैं, जिससे लोग व्याकुल हो सकते हैं। इस बीमारी से लड़ना सभी का कर्तव्य है। बुजुर्ग और पहले से बीमारियों से ग्रस्त लोग घर पर रहें और जितना हो सके उतना औरों से दूरी बनाए रखें और संक्रमण से बचें। परिवार के बाहर के लोगों से दूरी बनाए रखें। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर उन्हें लगे कि वे बीमार हैं और उन्हें कोविड-19 होने की आशंका हो, तो आगे के निर्देशों के लिए उनको तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। सुरक्षित रहें, कुछ बेहतर करके दिखाएं।